दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल पे की एक प्रॉब्लम के बारे में, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। गूगल पे ओपन करूँगा, अब यहाँ पे मैं किसी को या तो पैसे सेंड करूँगा या यहाँ पे बैलेंस चेक करने के लिए जाता हूँ। जैसे मैं बैलेंस चेक करने के लिए जाता हूँ, यहाँ पे यूपीआई पिन अपने डाल देता हूँ, सही यहाँ पे यूपीआई पिन डालूंगा। जब भी देखना यहाँ पे सबमिट जैसे ही करूँगा तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखने को मिलेगा कुडंट चेक बैलेंस, तो इस तरीके का इंटरफेस हमको देखने को मिल जाता है। अब इसको जो है कैसे फिक्स कर सकते हैं उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। यहाँ पे क्या किया था कि मैंने अपने यूपीआई पिन जो है वो कई बार गलत डाल दिया था। अब उसके बाद मैं यहाँ पे सही भी डाल रहा हूँ तो भी मेरे सामने यही दिक्कत आ रही है। अब इसको फिक्स कैसे करेंगे वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम बैक चले जाते हैं, उसके बाद ऊपर आपको देखने को मिलेगी जो आपकी डीपी होती है ना, प्रोफाइल पिक्चर, वहाँ पर आपको क्लिक करना है ऊपर, ठीक है, कोने पर। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट्स मेथड दिखाई दे रहे हैं। एक बैंक में यहाँ पे ऐड कितने भी आपके हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे पेमेंट्स मेथड पे जाएंगे और आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना जिस बैंक में आपकी प्रॉब्लम है। तो मेरे एक ही बैंक के, इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा फॉरगॉट यूपीआई पिन, तो सिंपल आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके जो कार्ड के डिटेल्स मांगेगा तो आपको पीछे के 6 नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट नीचे देखने को मिल जाती है, वो एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाल के नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ओटीपी गया होगा 6 नंबर का, वो ओटीपी ऊपर एंटर कर देना और नीचे आपको यहाँ पे जो आपका एटीएम का पिन है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको सबमिट करना है और यहाँ पे न्यू यूपीआई पिन आपको क्रिएट करना है 6 नंबर का, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, फिर से वही 6 नंबर आपको यहाँ पर डालने जो आपने पहले डाले थे। उसके बाद यहाँ पर आपके जो है सबमिट करने के बाद यूपीआई पिन क्रिएट कर देनी है और आपका यूपीआई पिन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी थोड़ी देर में। और मैं आपको बताऊँ यूपीआई पिन आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी, ये तो आपको पता ही होगा। क्या यूपीआई पिन यहाँ पर हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर बैक करके हम चेक करते हैं अपना बैलेंस और बैलेंस चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूपीआई पिन मैंने डाली और एंटर करा तो बैलेंस यहाँ पे हमारा शो हो गया है। और एक बार मैं आपको यहाँ पे बैक करके दिखा देता हूँ अपना जो बैलेंस है, किसी को ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 रुपये सेंड करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रुपये मेरे यहाँ पे सेंड हो चुका है। तो यानी कि हमारी यूपीआई जो अब वर्क कर रही है अच्छे से। तो इस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है यहाँ फिक्स हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए गाइस बाय।